इस वीडियो में हम क्लास टेंथ इंग्लिश की त्रैमासिक परीक्षा 2022 23 तेईस के लिए लेसन नंबर थ्री फोर फाइव और सिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपके लेसन नंबर थ्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैं पहला क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम भोजन का जो दृश्य था उसने उसे पागल बना दिया वॉट डज दिस सजेस्ट इससे हमें क्या पता चलता है ये जो कथन लिखा गया है यहाँ पर उससे हमें क्या पता चलता है और वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई और जो यंग सीगल था सीगल का छोटा बच्चा था उसे आखिरकार उड़ने के लिए किस चीज ने मजबूर किया था द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री जो यंग सीगल था वो बहुत ज्यादा भूखा था इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई यह वह भूख ही थी जिसने आखिरकार उसे उड़ने के लिए मजबूर किया था अगला क्वेश्चन है दे वर बैकोनिंग टू हिम कॉलिंग रीली व्हाई डिड द सी गर्ल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई मतलब यहाँ पर उसके जो फादर और मदर थे वो उसे इशारा करते हैं जोर-जोर से बुलाते हैं तो यहां पर उसके जो फादर और मदर हैं वो उसे डराते हैं और उसे उड़ने के लिए बहलाते फुसलाते हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग जो सीगल के पेरेंट्स थे उन्होंने सब कुछ कोशिश कर लिया था सब कुछ ट्राई कर लिया था बट ही वॉज रिलेक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे गिरने का डर था ठीक है ना गिरने के डर की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था सो द होल फैमिली लेफ्ट हेड लेफ्ट हिम अलोन तो इसीलिए पूरी फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया एंड थ्रियटेन एंड कैजोल्ड हिम टू कम और उसे आने के लिए बुलाने लगे ठीक है तो ये यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आई विल टेक द रिस्क वॉट इज द रिस्क मैं रिस्क लूंगा यहाँ पर रिस्क क्या है वाई डज दरेटर टेक इट और जो नरेटर है उसने इस रिस्क को क्यों लिया तो द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टोन क्लाउड रिस्क यह था कि एरोप्लेन को काले बादलों के बीच से उड़ा करके ले जाना था द नैरेटर took the risk नैरेटर ने यह रिस्क इसलिए लिया बिकॉज़ ही वांटेड टू गेट होम इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट क्योंकि वह नाश्ते के लिए अपने घर में टाइम पर पहुंचना चाहता था इसीलिए उसने ये रिस्क लिया अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट स्ट्रेंजली जो कंट्रोल सेंटर में वोमेन थी वो नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखती है तो द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर दोल एट स्ट्रेंजली बिकॉज ही वॉज आस्किंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन वो इसलिए उनको अजीब तरीके से देखती है नरेटर को क्योंकि नरेटर उससे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहे थे बट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन लेकिन वहां पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था अब देखते हैं नंबर के तो एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी फ्रेंड है उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी ने अपनी, में, अपनी डायरी में अपनी लाइफ का ब्रीफ, तो ब्रीफ दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज इन हर डायरी इफ सी डिड नॉट राइट अबाउट हर लाइफ उसे ऐसा महसूस होता था उसे ऐसा फील हो रहा था कि यदि वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं लिखेगी तो डायरी में उसकी जो स्टोरीज हैं उनको कोई भी समझ नहीं पाएगा इसलिए उसने अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच डायरी में प्रोवाइड कराया अगला क्वेश्चन है वाज मिस्टर एनॉय विद एनी तो यहाँ पर जो उसके टीचर हैं मिस्टर की सिंह वो एनी से क्यों चिढ़े हुए थे क्यों नाराज थे वॉट डिड ही आज हर टू डू उन्होंने क्या किया फिर तो मिस्टर की नाराज थे क्योंकि वो बहुत बात करती थी टॉकेटिव थी ही पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने उसको पनिश भी किया एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया था टू राइट एसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स उन्होंने उसको एक निबंध लिखने के लिए बोला था ऐसे लिखने के लिए बोला था जिसका टॉपिक था चैटर बॉक्स इसके ऊपर उसको होमवर्क में ऐसे लिख करके लाना था ठीक है फिर व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास मिस्टर कीसिंग ने एनी को बात करने के लिए क्लास में क्यों अलाउ कर दिया तो एनीज़ लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ़ पोयम पोयम एनी का जो लास्ट ऐसे था वो की फॉर्म में था जिसे देख कर के मिस्टर की द लाइटर साइड ऑफ नॉटी चाइल्ड उन्हें उस बच्चे की शरारत के बारे में समझ में आ गया हैं वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास इसलिए उन्होंने उसे क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक मिस्टर की स्ट्रिक्ट टीचर क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर की स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे बिकॉज इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट क्योंकि यदि वो स्ट्रिक्ट होते तो ही वुड नॉट हैव लाव्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स तो वो एनी के फनी आर्ग्यूमेंट्स पर हंसते नहीं ठीक है तो ये आपके लेसन नंबर फोर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अब देखिए जो लेसन नंबर फाइव और लेसन नंबर सिक्स है द ड्रेसेस फर्स्ट और सेकेंड ये आपके ब्लू में कट चुका है ठीक है तो लेकिन ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपके मासिक कैलेंडर में दिया हुआ है सिलेबस में इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं तो आप इन्हें अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लीजिए लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि ये चैप्टर दोनों कट चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वेयर इन द्लास रूम डज वांडा सिट वा क्लास रूम में कहा बैठती थी और वाई एंड वाई तो और क्यों बैठती थी तो वेंडा सिट्स एट लास्ट सीट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास रूम वेंडा क्लासरूम के कॉर्नर में लास्ट सीट पर बैठती थी बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स क्योंकि उसके फ्रेंड नहीं थे फिर अगला है वेयर डज वेंडा लिव वेंडा रहती है वॉट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इज इट इट इज आपको क्या लगता है यह किस तरह की जगह होगी तो वेंडा लिव्स इन वोगीन्स हाइट वेंडा बोगीन्स हाइट्स में रहती है और इट इज काइंड ऑफ स्लम ये एक बस्ती वाला एरिया लगता है वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी और मैडी ने वेंडा की absence को कब नोटिस किया और वाई मतलब क्यों नोटिस किया तो पैगी एंड मैडी थ्री डेज तीन दिनों के बाद उन्होंने उसकी एबसेंस को नोटिस किया क्यों बिकॉज वैंडा वेंडा हैड मेड लेट टू स्कूल क्योंकि वे वेंडा की वजह से स्कूल लेट आते थे अगला है व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स की लेटर से मिस्टर पेट्रॉन्स के लेटर में क्या कहा था तो मिस्टर पेट्रॉन्स कीज लेटर सेड उन्होंने उनके लेटर में लिखा हुआ था उन्होंने कहा था वेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर वेंडा अब स्कूल नहीं आएगी इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी और अपसेट तो जो मिस मैसन थी वो क्लास में गुस्सा थी या फिर वो अनहैप्पी और अपसेट थी तो मिस मैसन वॉज एंग्री मतलब वो गुस्सा होने की बजाय अनहैप्पी और अपसेट थी अगला है हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वैंडास फादर वेंडा के फादर का नोट सुनने के बाद मैडी को कैसा फील हुआ तो मैडी फील सॉरी एंड असेम्ड उसको बहुत बुरा लगा और शर्मिंदा भी हुई हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ ब्लू ड्रेसा का घर मैडी को उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में क्यों याद दिलाता है तो वैंडास हाउस वॉज ओल्ड एंड लेडेड बट नीट एंड क्लीन जो वेंडा का घर था वो पुराना था लेकिन साफ सुथरा था लाइक हर ब्लू ड्रेस उसकी ब्लू ड्रेस की तरह साफ सुथरा था ठीक है अगला है वट डज मैडी वॉन्ट टू डू मैडी क्या करना चाहती है मैडी उससे वा से मिलना चाहती है और उससे माफी मांगना चाहती है तो ये आपके थ्री फोर फाइव और सिक्स चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आई होप के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक like कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियोस उनकी भी हेल्प कर सकें और अगर आप इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो